जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। यहाँ पर Redmi 10 Prime के MIUI 13 अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इस डिवाइस के लिए जो है ऑलरेडी 13.0.2.0 वाला जो अपडेट है वो रिलीज हो चुका है यहाँ पर इंडिया में, बट यहाँ पर अभी एक नया अपडेट यहाँ पर आने वाला है जिसमें आपको एक लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेगा और ये वाला जो अपडेट होगा MIUI 13 का ये सारे यूजर्स को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो अंदर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पर जब इसी जो Redmi 10 Prime है इसके लिए यहाँ पर एक अपडेट अभी लेटेस्ट यहाँ पर चल रहा है और सर्विस सेंटर के अंदर भी जो है ये अपडेट यहाँ पर मौजूद है जिसका वर्जन है 13.0.2.0 SKUINXM। ये पूरा वर्जन देखने को मिलता है और 2.6 GB का आपको अपडेट साइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है Redmi 10 Prime यूजर्स जितने भी हैं यहाँ पर इंडिया में। Redmi 10 Prime 2021 मॉडल और Redmi 10 Prime 2022 मॉडल दोनों सेम ही है, यहाँ पर दोनों के अंदर सेम ही यहाँ पर वर्जन आपको देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोग क्लियर कर दूँ, जितने भी Redmi 10 Prime यूजर है ना उन सभी के लिए अभी इंडिया में जो लेटेस्ट अपडेट चल रहा है हमने कई सर्विस सेंटर के अंदर कॉल करके भी पता किया है जिसका वर्जन है यहाँ पर 13.0.2.0 SKUINXM स्टेबल वर्जन 2.6 GB का ये अपडेट देखने को मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर जून का सिक्योरिटी पैच भी देखने को मिलता है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी शायद आप लोग के डिवाइस में 12.5.10.0 वाला अपडेट शायद चल रहा होगा, जहाँ तक मुझे ध्यान है, बाकी आप कमेंट में कन्फर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो Redmi 10 Prime यूजर है ना उन सभी के लिए ऑलरेडी यहाँ पर इंडिया में अपडेट रिलीज हो चुका 13.0.2.0 और हमने कई स्क्रीनशॉट भी आपके साथ यहां पर शेयर किए थे टेलीग्राम के ऊपर। तो मैं आप लोगों को एक चीज जानकारी दे दूं, यहां पर Redmi 10 Prime जो जितने भी है ना उन सभी के लिए अपडेट यहां पर ऑलरेडी रिलीज है जिसमें जून का सिक्योरिटी पैच है और MIUI 13 और Android 12 देखने को मिलता है। बट बुरी बात यह है कि जिन लोगों के डिवाइस में 12.5.10.0 वाला वर्जन चल रहा है उनके डिवाइस में MIUI 13 का अपडेट शो नहीं हुआ, बट उनको ज्यादा दुख होने की जरूरत नहीं है। यहां पर उनके लिए जो है अब यहां पर नया अपडेट आने वाला है। मैं आप लोगों की जानकारी बता दूं, यहां पर 3 दिन पहले जो है यहां पर इंडोनेशिया यूरोप के अंदर लेटेस्ट अपडेट रिलीज कर गए हैं, सिक्योरिटी पैच जो है उनके अंदर सितंबर गया है और MIUI 13 और Android 12 दोनों यहां पर देखने को मिलते हैं। इंडोनेशिया में जो रिलीज हुआ है वो है 13.0.3.0 SKUIDXM और वहाँ पर 2.6 GB के आसपास का अपडेट से रिलीज हुआ जिसमें सितंबर का सिक्योरिटी पैच है और साथ में यहाँ पर एंड्रॉयड 12 और MIUI 13 भी देखने को मिलता है। और यूरोप में जो रिलीज हुआ है वो यहाँ पर रिलीज हुआ 13.0.2.0 के नाम से और इंडिया में जैसे मैंने बताया कि अभी लेटेस्ट अपडेट जो चल रहा है वो 13.0.2.0 वाला यहाँ पर चल रहा है, बट इंडिया में जो अगला अपडेट आ रहा है जो सभी यूजर्स के यहाँ पर देखने को मिलेगा उसका वर्जन होने वाला है यहाँ पर 13.0.3.0 SKUINXM। यही वाला वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है क्योंकि एक वर्जन थोड़ा अपग्रेड करा जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 13.0.2.0 जो है वो इंडिया में यहाँ पर रिलीज है। और जो ये अपडेट आ रहा है ना यूरोप और इंडोनेशिया में तो सितंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है, शायद यही वाला सिक्योरिटी पैच आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाए। बट Xiaomi को टोटल डिपेंड होता है यहाँ पर सिक्योरिटी पैच कौन सा ये लोग देते हैं, पर मुझे जहाँ तक ये लगता है कि यहाँ पर जो अपडेट है ना वो आपको यहाँ पर सितंबर सिक्योरिटी पैच के साथ MIUI 13 Android 12 देखने को मिलेगा। और ये रही बात अपडेट कब तक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो लगभग यहाँ पर एक महीने का टाइम यहाँ पर लगने वाला है, अक्टूबर के महीने में ये लोग अपडेट देंगे क्योंकि जो लास्ट टाइम MIUI 13 का जो अपडेट रिलीज हुआ है ना उसमें जून का सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये लगभग 3 जो है ना सिक्योरिटी पैच पीछे चल रहा है जिस कारण ये लोग जो है आपको अक्टूबर एंड तक जो यहाँ पर ये अपडेट को प्रोवाइड कर सकते हैं इंडिया के अंदर। बाकी जिन लोगों को जल्दी है यहाँ पर अपडेट कराने की और आपके घर से सर्विस सेंटर पास में पड़ता है तो सर्विस सेंटर जाने से पहले अपने एरिया के सर्विस सेंटर के अंदर कॉल करके पूछ लीजिए कि आपके पास MIUI 13 का अपडेट अवेलेबल है कि नहीं है Redmi 10 Prime के लिए। तो उनके पास अवेलेबल होता है तो आप लोग जाके वहाँ से मैनुअली अपडेट करवा सकते हो। और हालांकि हमने इसकी फास्ट फूड रोम रिकवरी रोम जो अपने टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड करते थे, जब हमने जो यहाँ पर लिंक प्रोवाइड किया था ना वो लिंक यहाँ पर कई सारे लोगों ने भी शेयर किए क्योंकि पता है कि उस समय तक लिंक किसने दिया था, हमने ही लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया था क्योंकि हमारे पास लिंक आया था और किसी भी लोग के पास जो है यहाँ पर लिंक नहीं था, बट वो लिंक जैसे प्रोवाइड किया उसके बाद वो लिंक जो है कई जगह जो है लोग यहाँ पर पोस्ट करने लगे। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पर समझदार ही हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो लिंक जो हमने प्रोवाइड किया और लिंक से जो है कई लोगों ने मैनुअली ट्राई भी किया अपडेट करने के, बट उससे अपडेट नहीं हो पाया क्योंकि इसका कारण यही था यहाँ पर कि आपके डिवाइस में यहाँ पर कोई और अपडेट चल रहा है और वो जो था ना वो उससे पहले वाला वर्जन चल रहा था जो MIUI 12.5 वाला किसी यूजर्स के डिवाइस में, उसके अंदर जो है MIUI 13 का अपडेट मिला था जून के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, जिसको यहाँ पर इमरजेंसी है, जिसको एक्सपीरियंस कर रहा है MIUI 13 Android 12 अपडेट, तो एक काम करो सर्विस सेंटर से करा लो। वैसे मैं तो एक सलाह दूंगा, इतने ज़्यादा एक्साइटेड मत हो MIUI 13 Android 12 के लिए क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर अपडेट किए हैं ना
एंड्रॉयड 12 के अंदर, उसमें कई सारे इश्यूज आते हैं। किसी का फिंगरप्रिंट यहाँ पर स्कैन नहीं होता, किसी का यहाँ पर जो है अलग ही प्रॉब्लम लैग का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि एंड्रॉयड 12 वो काफ़ी बगी है। यहाँ पर गूगल वालों ने खुद ने यहाँ पर एंड्रॉयड 13 के अंदर 151 बग्स यहाँ पर फिक्स करे हैं। तो एंड्रॉयड 12 को बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर झेल रही हैं, क्योंकि जल्द से जल्द जो है यहाँ पर कंपनी अब लगी है कि एंड्रॉयड 12 देके साइड में करते हैं, फिर उसके बाद फटाफट एंड्रॉयड 13 देके डिवाइसेस को स्टेबल करते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 12 के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस थे जिस कारण जो है यहाँ पर बग्स भी बहुत ज़्यादा है। बट हालांकि शाओमी ने कुछ चेंजेस किए नहीं अपडेट्स के बाद, बस वो साइड बार वगैरह जो है, नए वाला कंट्रोल सेंटर है, आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन का फीचर वगैरह देखने को मिल जाता है, ऐसे छोटे मोटे 4-5-6 फीचर्स देखने को मिलते, ज़्यादा कुछ बड़े फीचर दिए, तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ आराम से एक महीना आप लोग वेट करो, जो चल रहा है उसको आराम से इंजॉय करो, बस डिवाइस यहाँ पर स्मूथ यहाँ पर चलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अगला अपडेट आ जाए MIUI 13 का तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, अरे यार डिवाइस बहुत लैग कर रहे हैं, हम पुराने वर्जन पर ये सब ठीक रहते। तो मैं आपको यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग एक काम करो, यहाँ पर एक महीना रुको, क्योंकि अब जो है अपडेट आने वाला है, इंडोनेशिया में आ चुका है, और इंडोनेशिया के बाद में भी जो है यहाँ पर अगली बारी आपको इंडिया की यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग आपको जो है अक्टूबर के महीने के अंदर एनी टाइम यहाँ पर अपडेट को रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी पुराना सिक्योरिटी पैच चल रहा है Redmi 10 Prime के डिवाइस में, उनके लिए यहाँ पर लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच साथ MIUI 13 जरूर दिया जाएगा। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर, वेट करिए, जैसे आएगा मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करूँगा पोस्ट वगैरह और लिंक्स वगैरह भी, और यूट्यूब के ऊपर आपको यहाँ पर जरूर इन्फॉर्मेशन करने देने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बस इतना था इस वीडियो के अंदर, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय।